हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ। जो तू मेरा हमदर्द सुहाना हर दर्द सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप कुछ इस तरीके का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है एलाइट मोशन। तो गाइस, आपको यहाँ पर एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको करने के आपको अपना एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस अपना एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। तो जैसा गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस आपको करने के सबसे पहले गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाना है। आपको वहाँ पर इस वाले सॉन्ग का बीट मार्क प्रीसेट लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आके इसको इंपोर्ट कर लेना, और इंपोर्ट करने के बाद की सबको करने के आपको स्टार्टिंग पे आना है, और आपके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, इमेजेस वीडियो पे जाना। इमेजेस वीडियो पे जाने के बाद ही सबको करने के सिंपली गाइस आपके यहाँ पे अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ही सबको करने के आपके यहाँ पे इस वाले थ्री डॉट पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ही आपको इस वाले एरो के ऊपर क्लिक करना है, और इसके एक पॉइंट थोड़ा सा पहले आके आपके यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। कट करने के बाद ही आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, फिर से इस प्लस पर क्लिक करना, इमेज वीडियो पर जाना है, फिर से आपको अपनी नेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करना, और आपको फुल स्क्रीन कर देना है, और फिर से आपको इस वाले एरो ऊपर क्लिक करके इसके आपको थोड़ा सा पहले आके इस वाली पिक का एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। कट करने के बाद ही आपको फिर से इस एरो ऊपर क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक कर देना, देना आपको फिर से इमेजेस वीडियो पे जाना है, और इमेजेस वीडियो पे जाने के बाद ही आपको फिर से अपनी नेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ही आपको इस थ्रेड पर क्लिक कर देना होगा, और आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ही आपको फिर से इस वाले एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपको इसको बीट के थोड़ा सा पहले आके इस वाली पिक का भी एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। कट करने के बाद ही आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, इमेजेस वीडियो पे जाना, और यहाँ पे अपनी नेक्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, और थ्रेड पे क्लिक करके फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक को बीट के हिसाब से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस अपनी सभी पिक को यहाँ पे मैं आपको जल्दी से ऐड करके आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपनी सभी पिक को बीट के हिसाब से मैंने ऐड कर दिया है। तो आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक को बीट के हिसाब से ही ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ही आपको अब करनी क्या है, इन पे आपको इफ़ेक्ट ऐड कर देने हैं। इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए आपको करने क्या होगा, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन पे चले आना है, और डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद ही आपको यहाँ पे एक ये वाला सेक इफेक्ट प्रीसेट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से आगे इसको इंपोर्ट कर लेना, और इंपोर्ट करने के बाद ही आपको करने क्या है, आपके यहाँ पर पहली वाली पिक के ऊपर क्लिक कर देना होगा, और इसके इफेक्ट पर जाना होगा आपको। इफेक्ट पर जाने के बाद ही आपको इस थ्रेड पर क्लिक करके आपको कॉपी इफेक्ट करना है, देना आपको यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद ही आपको करने क्या होगा, आपके यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट फाइल को ओपन कर लेना है, जो प्रोजेक्ट फाइल आपने क्रिएट किया है। ओपन करने के बाद ही आपको करने क्या है, आपको सिंपली आपको पहली पिक पे क्लिक कर देना है, और इफेक्ट पे जाना है, और आपको यहाँ पे थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, और फिर से अपनी दूसरी पिक पे क्लिक करना है, और इफेक्ट पे जाना है, और थ्रेड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे एक पिक को छोड़ देना है, और फिर से आपको अगली पिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, और थ्रेड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, और फिर से आपको यहाँ पे अपनी एक पिक को छोड़ देना है, और फिर से अपनी अगली पिक पे क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाना है, और थ्रेड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर से आपको अगली पिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, और थ्रेड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर से आपको अगली पिक पे क्लिक कर देना है,
इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर से आपको अंगली पे कोई क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे अपनी यहाँ पे चार पिक पे ऐड कर देना और चार पिक ऐड करने के बाद इस आपको एक पिक फिर से छोड़ देना है। फिर से अंगली पिक पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है और फिर से आपको एक पिक छोड़ देना है। और फिर से एक पिक छोड़ने के बाद इस आपको अपनी नेक्स्ट पिक पे क्लिक करना है, फिर से इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर से गाइस आपको यहाँ पे अपनी एक पिक को छोड़ना है। एक पिक छोड़ने के बाद इस आपको यहाँ पे अपनी इन दो पिक पे आपको एक नंबर वाले इफेक्ट को इस तरीके से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ही आपको फिर से अपनी एक पिक को छोड़ना है। एक पिक छोड़ने के बाद ही आपको फिर से अपनी इन दो पिक पे आपके ये एक नंबर वाले इफेक्ट को आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे तीन पिक पे ये वाले इफेक्ट को आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे इन तीन पिक पे ऐड करने के बाद ही आपको करने के फिर से एक पिक छोड़ना है और एक पिक छोड़ने के बाद ही आपको फिर से एक पिक के ऊपर क्लिक करके ये वाले एक नंबर के इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। और फिर से आपको एक पिक छोड़ देना है, फिर से अंगली पिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। और फिर से आपको यहाँ पे एक पिक छोड़ देना है। एक पिक छोड़ने के बाद ही आपको नेक्स्ट पिक पे क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाना होगा और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे आपको करने क्या है, एक पिक छोड़ना है और फिर से अंगली पिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस इन दो पिक पे आपको ये वाला इफेक्ट को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद इस आपको एक पिक फिर छोड़ देना है और फिर से अंगली पिक पे क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको अपनी दो पिक पे ये वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है और फिर से आपको यहाँ पे एक पिक छोड़ देना है। एक पिक छोड़ने के बाद इस आपको फिर से अंगली दो पिक पे आपको इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से इन दो पिक पे ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है और फिर से एक पिक छोड़ देना है। एक पिक छोड़ने के बाद इस आपको नेक्स्ट पिक पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इन दो पिक पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इस आपको एक पिक फिर से छोड़ना है और फिर आपको नेक्स्ट पिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद इस आपको एक पिक फिर से छोड़ देना है और अगली दो पिक पे आपको क्लिक करके आपके यहाँ पे ये एक नंबर वाले इफेक्ट को आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस आपको फिर से एक पिक छोड़ना है और एक पिक छोड़ने के बाद इस आपको फिर से अपनी दो पिक पे आपके ये वाले एक नंबर वाले इफेक्ट को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस आपको एक पिक फिर छोड़ देना है और आपको नेक्स्ट पिक पे क्लिक करके इफेक्ट पे आना है और थीरोइड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर से आपको गाइस एक पिक छोड़ना है और अंगली आपको दो पिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से इस वाली पिक पे भी आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है और फिर से आपको एक पिक छोड़ देना है। एक पिक छोड़ने के बाद इस आपको नेक्स्ट पिक पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर से एक पिक छोड़ देना है गाइस आपको यहाँ पे अगली पिक पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाके थीरोइड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने एक नंबर का इफेक्ट इन सभी पिक पे ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद इस आपको अब करने के आपके यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद ही आपको यहाँ अपने सेक इफेक्ट प्रीसेट पे जाना है और यहाँ पे अपनी दूसरे नंबर की पिक के ऊपर क्लिक कर देना है आपको और इफेक्ट पे जाके थीरोइड पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट का लेना है, देना आपको यहाँ से हो जाना है बैक। बैक होने के बाद ही आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट फाइल को ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट फाइल ओपन करने के बाद ही आपको अब करने के आपकी जिस पिक पे इफेक्ट ऐड नहीं है उस पिक के ऊपर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपकी जितनी भी पिक पे इफेक्ट ऐड नहीं है उन सभी पिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाना होगा और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से इन सभी पिक पे ये वाला इफेक्ट को ऐड कर दे रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी सभी पिक के ऊपर क्लिक करना है जिस पे इफेक्ट ऐड नहीं है और क्लिक करने के बाद ही आपको इफेक्ट पे जाना है और थीरोइड पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इन सभी पिक पे आपको मैं ये वाला इफेक्ट जल्दी से आपको मैं ऐड करके यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे इन सभी पिक पे इफेक्ट को पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद गाइस देख सकते हो वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो यहाँ पे गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करने क्या होगा, आपके ऊपर की ओर एक एरो को ऑप्शन मिल रहा है तो एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसी ये लाइन पूरी हो जाएगी तो गाइस आपको वहाँ पे एक सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस आपका वीडियो बनके गैलरी पे सेव हो जाए।